बहुत सारी दिक्कतें हैं जहाँ यहाँ पे हमें सिपाही जियादी है, जो सिपाही लोग हैं जिन्होंने हमें अपना ज्ञापन दिया है, जिनकी रोज की जो उनको आय मिल रही है वो 375 रुपए तक मिल रही है। जॉब ट्रांसपोर्ट का भी आदेश है कि जितनी पुलिस को मिलती है वेजेस उतना ही इनको भी मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है सरकार की तरफ से हमारे बिहारी के सेना वालों की। और इसी के साथ मैं समझती हूँ किसान यूनियन भी यहाँ पे मौजूद है, जो किसानों के हक सम्मान और अधिकार के लगातार लड़ रहे हैं, जो MSP के लिए लड़ रहे हैं, और जिस तरह की दुविधा और असुविधा किसानों के सामने आज खड़ी है, मैं समझती हूँ जहाँ लोगों ने पूरा साथ और समर्थन दिया है और एक मजबूत विपक्ष आज खड़ा है, तो हम सब मिलके अपने किसान भाइयों की, अपने जवान भाइयों की, अपनी माताओं बहनों की और अपने नौजवान साथी की लड़ाई लड़ेंगे। मैम, क्या प्राथमिकता रहेगी इस बार इस कार्यकाल में आपकी मैनपुरी के लिए? लोगों को रोजगार कैसे मुहैया कराने वाले हैं या कुछ और कुछ नया आ रहा है? मैं समझती हूँ सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो सरकार 10 साल से है और जिसका 10 साल का कार्यकाल दूसरी सरकार का पूरा हो रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के अवसर युवाओं को उपलब्ध कराए, इस तरह का माहौल बनाए जिससे अवसर बने, युवाओं की नौकरी की मिले, रोजगार मिले। तो ये सरकार हर तरीके से नाकाम साबित हुई है और आने वाले समय में इस प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए लोग सरकार बदलने का काम। मैं समझती हूँ अभी भी ये लोग नहीं सीखे, भाजपा के लोग अभी भी नहीं सीखे हैं कि जनता को जो असुविधा हो रही है उसका ये लोग निवारण नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हमारे शिक्षकों पे जो डिजिटल आपके अटेंडेंस का जो मामला है, आज भी वो निरस्त नहीं हुआ है 2 महीने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि जब तक ये लोग नहीं सीखेंगे तो आने वाला जो 2027 चुनाव है तो जनता एक बार फिर तैयार होगी, एक बार फिर खड़ी होगी, क्योंकि आज भी हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है और आज भी हमारे किसान कहीं ना कहीं आहत महसूस कर रहे हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों का जो जिनको बहुत उम्मीद थी भाजपा की सरकार से, कहीं ना कहीं वह सारी उम्मीदों में पानी फिरने का काम सरकार ने किया है। और मैं सभी लोगों को धन्यवाद दूंगी कि जिस तरह आपने बढ़ चढ़ के बहुत समझदारी के साथ वोट करा और जिस तरह भाजपाइयों के सारे षड्यंत्रों को पानी फेरने का काम किया, तो आने वाले आप समय में देखेंगे कि पूरे देश से। उसमें उन्होंने कहा कि 100 मानसून ऑफर दिया, 100 लाइए और सरकार बनाइए। यार हटा यार, हम सभी जानते हैं बार बार बीच में ला रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ इस पे ध्यान नहीं चाहूंगी, तमीजी दे रहे और जब नहीं दे रहे पीछे कुछ भी संभव है। लोकसभा के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उथल पुथल मची हुई सरकार सीएम और उसको लेकर मची हुई, लोगों से संपर्क कर रही है और लोगों की समस्याओं में असुविधाओं में उनके साथ खड़ी है। और मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि एक ऐसी सकारात्मक राजनीति का लोग सहयोग करने जा रहे हैं जो इस देश में और प्रदेश में कहीं ना कहीं जो लोगों के सपने हैं उनको पूरा करने का काम कर सकते, जो युवाओं के हमारे सपने हैं, हमारे किसानों के सपने हैं, जो आज हताश है, उन सबको पूरा करने का काम आने वाली सरकार जब बनेगी। मैडम एक सवाल, BJP के मंत्री खुद कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के कारण ये हालात पैदा हुए हैं जिसमें समाजवादी पूरी तरह से गेन करिए इस लोकसभा चुनाव में। अब तो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, अब यही चलता रहेगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि लोग देश के और पूरे प्रदेश के और सभी वर्ग के लोग परेशान हैं सरकार।